अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉट आयरन को, रॉट आयरन बेसिकली क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो रॉट आयरन बेसिकली आयरन की वो टाइप है जिसमें सबसे कम परसेंट कार्बन होता है, ठीक है, लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होती है रॉट आयरन में, और जो कार्बन की परसेंटेज है वो होती है तकरीबन 0.08%, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो बेसिकली ये पडलिंग प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होता है। पडलिंग प्रोसेस में क्या है, आप रेवर्बरेटरी फर्नेस में पिग आयरन डालते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, जो कि इसको फिर रॉट आयरन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसकी खसूसियात क्या है कि ये सडन और एक्सेसिव शॉक्स को बर्दाश्त कर लेता है और परमानेंट इंजरी इसमें नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी सडन और एक्सेसिव शॉक है वो ये इजीली बर्दाश्त कर लेगा, बियर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ये चेन्स में, एंकर्स में और इसके अलावा रेलवे कपलिंग्स में और क्रेन हुक्स में यूज होता है ये, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सडन फेलियर के ऊपर के इसके अगर हमने सडन फेलियर से बचना है तो इसके लिए हम इसकी अनीलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती हर डायरेक्शन में। इसके बाद आ जाते हैं इसकी बेंडिंग के ऊपर। ये बहुत इजीली बेंड हो जाता है जिस वजह से इसको हम शेप कर सकते हैं इसकी हैमरिंग के जरिए, प्रेसिंग के जरिए, फोर्जिंग के जरिए, ठीक है। और इसको हम कास्टिंग के जरिए शेप नहीं करते। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइएस्ट होता है। तो ये रॉट आयरन के बारे में थोड़ी बेसिक्स थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच।